बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं, अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा, अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें। इस तकलीफ को समझते हुए, इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब 1.5 साल पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। कुछ ही दिन पहले आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज, मतलब देश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों की सेवा हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है? 1 करोड़ से ज्यादा मरीज मतलब नॉर्वे जैसा देश, सिंगापुर जैसा देश, उसकी जो टोटल जनसंख्या है उससे 2 गुना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया है। अगर गरीबों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते, इनका मुफ्त इलाज नहीं हुआ होता। हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स है जिसका अपना अलग महत्व है। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम से अधिकतर लोग परिचित होंगे, लेकिन भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी जैसे कई प्राणायाम के प्रकार है जिसके अनेक लाभ भी है। वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो, नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर के अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए। साथियों, हमारे देश में करोड़ों करोड़ गरीब दशकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं, अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा, अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें। इस तकलीफ को समझते हुए, इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब 1.5 साल पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी। कुछ ही दिन पहले आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज, मतलब देश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों की सेवा हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है? 1 करोड़ से ज्यादा मरीज मतलब नॉर्वे जैसा देश, सिंगापुर जैसा देश, उसकी जो टोटल जनसंख्या है उससे 2 गुना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया है। अगर गरीबों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते, इनका मुफ्त इलाज नहीं हुआ होता। सदा स्वच्छ रहे, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा हो, इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार सुनते हैं, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल 5 दिन 7 दिन भी अगर पानी रुका रहेगा तो धरती मां के पास बुझाएगा, पानी फिर जमीन में जाएगा, वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा। और इसलिए इस वर्षा ऋतु में हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम पानी को बचाएं, पानी को संरक्षण करें। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है, इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। हाँ, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना मत भूलिएगा। साथियों,
हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा, इतनी कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब भी उतनी ही गंभीर है। आपको, आपके परिवार को कोरोना से अभी भी उतना ही गंभीर खतरा हो सकता है। हमें हर इंसान की जिंदगी को बचाना है, इसलिए 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए ये सावधानी जरूर रखेंगे। इसी विश्वास की बात अनेक नए विषयों के साथ जरूर करेंगे। धन्यवाद। सांसद जी, आपने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कही, तो इससे आपको क्या प्रेरणा मिली, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सेकंड टर्म का फर्स्ट ईयर है, तो आज पूरा देश उनको सुनना चाह रहा था कि आज क्या बोलेंगे। हमेशा प्रधानमंत्री जी की बात सुन के एक नई ऊर्जा मिलती है मुझे, स्वयं को, पूरे देश को, और एक सीख मिलती है कि कैसे इस देश को हम सब मिलके 130 करोड़ की आबादी आगे लेके जाएंगे, कैसे हम स्वयं की सुरक्षा करते हुए दूसरों की सुरक्षा करेंगे, कैसे हम इस बरसात में जो पानी है उस जल जमाव को बचाएंगे, कैसे वृक्षारोपण करेंगे, कैसे हम पक्षियों को पानी पिलाएं, कैसे आत्मनिर्भर होकर देश को हम लोग एक शक्तिशाली भारत बनाएं, हम चाइना पर डिपेंड ना रहें, हम लोग स्वयं स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, उसका इस्तेमाल करें, आत्मनिर्भर भारत हो, एक शक्तिशाली भारत हो। और हमेशा प्रधानमंत्री की बात एक ऊर्जा देती है, प्रधानमंत्री की बात आपके अंदर जैसे किसी मृत्यु होते हुए व्यक्ति में कोई प्राण हो, तो ये शक्ति उनमें है, उनमें साक्षात, जैसे मैं उनको स्वयं भी कहता हूँ कि आप में साक्षात महादेव का वास है, और यही शक्ति लेके और यही बातें लेके देश आज इतने उनके आदेश निर्देश का पालन करते हुए जो लॉकडाउन का पालन किया है, तो 135 करोड़ की जो देश की आबादी है उसमें मृत्यु का रेट अभी तक, मृत्यु सारी दुखद है, लेकिन हम लोग 5,000, हम लोग बाकी अन्य 15 देशों से काफ़ी ठीक ठाक लड़ रहे हैं, और अभी पूरे देश ऐसा साथ दिया, और आज की मन की बात सुनने के बाद लोगों ने इसको और माना और इस पर चले, तो फिर हमको लगता है कि जल्द हम इस कोरोना को डिफीट कर पाएंगे। कोरोना हारेगा, मेरा भारत जीतेगा, और एक भारत शक्तिशाली बनेगा। अगर ये कोरोना नहीं होता तो 2019 में ही भारत एक उछाल मारने वाला था। हम लोग थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन हम लोग उतनी शक्ति से, आदमी दौड़ने के पहले पीछे जाता है फिर आगे दौड़ता है, तो हम लोग अगर थोड़ा पीछे आए, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग एक शक्ति से दोबारा एक लंबी छलांग लगाएंगे, और चाइना जैसे देशों को हम लोग डिफीट करने की शक्ति रख सकते हैं, और एशिया का एक सुपर पावर भारत बनेगा। और पूरा, जैसे कि आज पूरे विश्व के सारे नेता हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई में काफ़ी आगे आए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जैसे आगे आए, ऐसे देश इस कोरोना की लड़ाई में भारत सरकार ने कैसे पूरे देश की मदद की, गरीब किसान, गरीब गुरबा सबको लेके चले, मजदूर श्रमिक भाइयों को लेके चले, उत्तर प्रदेश के हमारे पूज्य महाराज जी की सरकार जैसे संभाल रही है, कई लाख मजदूर श्रमिक भाई लोग, बहन लोग आए, सबको 1,000 रुपया से लेके उनके घर में राशन वितरण, क्वारंटाइन से लेके मेडिकल सुरक्षा, सारी आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत द्वारा वो सारी योजनाओं का फल और लाभार्थी जितने हैं वो सब लोग आज जो पा रहे हैं, तो एक देश धन्य हो गया। भूतो ना भविष्य जैसे हम कहते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जन्म लेते हैं, ये त्यागी हैं और ऐसे योगी बाबा त्यागी हैं, तो 2 त्यागियों के बीच भारत चल रहा है, ये भारत बहुत शक्तिशाली होगा, ये मेरा आज सुनने के बाद और ये हमेशा मेरा मानना रहा है, तभी हम पूरा अपना सिनेमा जगत छोड़ के इसी त्याग की भावना से यहाँ आए।